दोस्तों नमस्ते एस एस टी और हिंदी का जो साइकोलॉजी का पेपर है परिदृश्य की भी अपन चर्चा कर लेंगे हल्की सी उनका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ पहली बार रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से करवा पहले भी देता लेकिन उस समय दो दिन बाहर था और फिर उसके बाद एक दिन लाइव आए अपन और कल तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी इसलिए करवा नहीं पाए तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग आंसर आपने मिला लिए होंगे यद्यपि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी कन्फ्यूजन होती हैं और हमेशा उनमें कुछ भी हो सकता है यद्यपि अधिनत सेवा चयन बोर्ड आंसुर की बहुत जल्दी जारी करता है और जल्दी आ जाएगी हमारे सामने हो सकता है हमारे सामने बहुत सारे पर्सन मैंने इसलिए कहा था कि जो मैंने मेरिट बताई थी कट ऑफ बताई थी उनमें कोई भी बदलाव हो सकता है आप पहले से तनाव नहीं लें चीजों को लेकर जो भी बच्चा एक क्राइटेरिया में है नब्बे प्लस वो ओबीसी जनरल में है क्वेश्चंस में तो वो सब दायरे में आते हैं याद रखना ठीक है अस्सी से नब्बे के बीच में एस टी का बच्चा है तो वो दायरे में आता है क्या संभावनाएं बनती हैं कुछ परसेंट डिलीट हो गए होते ही मतलब एक प्रकार से मेरिट डाउन आ जाएगी ग्रेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड के रिजल्ट आएंगे उसके बाद एकदम से स्थितियां बदलेंगी तो बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर मेरिट डिपेंड करती है यदि पेपर ईमानदारी से हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाने की आशंका नहीं है क्योंकि नेगेटिव्स काफ़ी हुए हैं तक ना हिंदी का मैंने ज़्यादा इसलिए बताया हिंदी में मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं जिनमें उनके नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं यद्यपि हिंदी में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं जैसे आज भी अपन कुछ चर्चा करेंगे तो शैक्षिक परिदृश्य के दो तीन पर्सन ऐसे हैं जो नीचे आ सकते हैं डिलीट हो सकते हैं तो उनसे फर्क पड़ता है इन चीज़ों का फटाफट करवा रहा हूँ फोर्टी टू का प्रश्न था परिदर्श्य के अंतर्गत स्पेशली एसएसटी के अंतर्गत ये पहला पेपर है एसएसटी वाला उसके अंतर्गत देखिएगा पब्लिक स्कूल की विशेषता विशेषता है मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न आप लोगों के गलत हुए होंगे आप लोगों ने गलत किए होंगे निश्चित रूप से आपने सही कर दिए होंगे तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा उपयुक्त सभी पे जाना चाहिए याद रखना ठीक है आपने नहीं भी पढ़ा है अब नॉर्मली नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आवासीय विद्यालय सुविधा युक्त किशोर के व्यक्तित्व तो विकास पर ध्यान ये जरूरी नहीं है देते हैं लेकिन इनका मूल उद्देश्य होता है तो डी उपयुक्त सभी ऐसे प्रश्नों में हमेशा तुक्का लगाना चाहिए और लगभग जो है वो सही होता है याद रखना तयलीस नंबर का प्रश्न देखिएगा आरटी की धारा चौदह सुनिश्चित करती है तो आरटी की धारा चौदह का संबंध किससे है कि आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों से एक प्रकार से मुक्ति का प्रावधान है इसमें कि प्रवेश की धारा चौदह यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है स्पेशली आपके पास आयु का सबूत ना होने कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता यानी आप लिखित कागज पे भी दे देते हैं तो भी आपका प्रवेश ले लिया जाएगा उसके बाद आप जमा करवाते रहे लेकिन एडमिशन से आपको वंचित नहीं किया जाएगा ठीक है रोकना और निष्कासन का प्रतिरोध स्पेशली धारा सोलह सत्रह की बात है शारीरिक सत्रह की बात की गई है सभी तो ये तीनों अलग है तो ए ऑप्शन हो जाएगा आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा एक से पांच में कार्य दिवस और शिक्षण घंटों के न्यूनतम ये सब प्रश्न करवाए हुए हैं पता नहीं इतनी बार करवाए ऐसे प्रश्न तो गलत नहीं होंगे एक से पांच में 200 कार्य दिवस 800 घंटे होते हैं और छह से आठ में क्या हो जाता है 220 कार्य दिवस और एक घंटे हो जाते हैं याद रखना तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चौवालीस पैंतालीस का फोर्टी का जो क्वेश्चन है वो देख लें एक बार फोर्टी में क्या है 45 तो करवा दिया साथ में। 45 ही है ना चौमालीस पैंतालीस पैंतालीस हो गया ठीक है पैंतालीस के बाद में अड़तालीस का क्वेश्चन क्या है से? पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है तो ये एकदम से नया प्रश्न था मेरे अकॉर्डिंग शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये पंद्रह वर्ष मानी गई है क्या मानी गई है पंद्रह वर्ष न्यूनतम आयु सीमा पंद्रह वर्ष ऐसे प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना चाहिए जहां आपको लगता ना कि सर नेगेटिव में बहुत ज्यादा चले जाते हैं इसका रीजन होता है ऐसे प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना चाहिए जहां आपको आइडिया नहीं होता है कभी नहीं लगाना चाहिए सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया ये जो अपनी समग्र मनोविज्ञान थे ना उसमें जो आईसीटी का पार्ट मैंने डाला था उसमें इस प्रश्न को मैंने डाला था कई बार कुछ चीजें ऐसे होती है ऐसा लगता है अनावश्यक डाली है लेकिन वो बड़ी उपयोगी हो जाती हैं तो समग्र मनोविज्ञान शायद आपने नहीं पढ़ी होगी मेरे अकॉर्डिंग तो ये उन्नीस में इसको प्रारंभ किया गया था बी कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उस समय उस किताब को लिखा था समग्र मनोविज्ञान का उद्देश्य भी नहीं था चीजें आएंगी याद रखना बट आ जाती हैं कुछ भी आ जाता है अब ऐसे प्रश्न जिस बच्चे के सही होता है ना वो बहुत एडवांस हो जाता है आर्टीय अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व है अब इसमें देखो समझने वाली बात यह कि 8 और 9 की जो धारा है वो स्थानीय सरकार और स्थानीय प्राधिकार से रिलेटेड है तो स्थानीय सरकार और स्थानीय प्राधिकार का मतलब क्या हो जाएगा स्पेशली आपकी राज्य सरकार क्या हो जाएगी राज्य सरकार तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो होगा राज्य सरकार क्या हो जाएगा राज्य सरकार ठीक है ना तो स्थानीय अधिगम सामग्री क्योंकि और नौ का संबंध किससे स्थानीय प्राधिकार और समुचित सरकार यानी राज्य सरकार से स्पेशली लिया गया तो बी आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए बाकी अधिन सेवा चयन क्यों क्या मानता है उसके बहुत कुछ डिपेंड करेगा उसके बाद है ये कितने नंबर का था पचपन नंबर के बाद सत्तावन नंबर सत्तावन नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं ये प्रश्न ये प्रश्न मैंने टेस्ट में भी करवाया था आपको पता हो तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप लास्ट में प्रश्न डाला था टेस्ट में जिन्होंने जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज में देखा है ये सब पर्सन लगभग टेस्ट सीरीज में तो लगभग चीजें करवाई हुई हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस योजना दो अक्टूबर ये ए, किताब में मैंने पहले पह कहा था कि 2022 कर रखा लेकिन ये 20 अगस्त राजीव गांधी की जो जयंती है उसके ऊपर प्रारंभ किया गया था बीस अगस्त दो से प्रारंभ की गई थी जो तो गलत हो जाएगा राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता इसकी काफी चर्चा अपन ने की है अपने उसमें सुजस वाले डिस्कशन सेशन में भी इसकी चर्चा की है तो इसमें एक गलत है और सेकंड सही है दो हजार बाईस में है तो भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में था कि सर यह तो नहीं हो सकता उसके बाद सत्तावन हो गया सत्तावन के बाद बासठ आर टी अधिनियम यह तो हो गया बासठ 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 इकसठ डाइट का पूरा नाम अब आप कह दोगे सर डाइट पे पर्सन सिलेबस में नहीं था परिदृश्य में लेकिन फिर भी मैंने डाइट का नाम डाला था याद रखना आपको पता हो तो अपना जो तीसरा टॉपिक था परिदृश्य वाली किताब में उसमें डाइट का नाम मैंने डाला था इसलिए डाला था क्या पता इजी पर्सन है और ऐसा प्रश्न शायद सब कर देते हैं जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो है वो फुल फॉर्म इसकी तो ये भी डाला हुआ है उसके बाद बासठ के बाद चौसठ मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ ये अपने किताब में दो जगह इसको डाला था और टेस्ट सीरीज में भी इसको मैंने करवाया था पांच सितंबर 2022 से इसको प्रारंभ किया गया था मिशन बुनियाद कार्यक्रम ठीक है ना बच्चों के शैक्षिक स्तर को मजबूत करने के लिए और इसको टेस्ट सीरीज में तीन बार शायद इस प्रश्न को मैंने डाला था मिशन बुनियाद तो ये प्रश्न पूछा गया है कोई इतना हार्ड नहीं है परिदर्श से मेरे कोडिंग जिसने बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ लिया है चौसठ के बाद है परिदर्श से हो गया मेरे सीधे लास्ट में चलेंगे अपन अब साइकोलॉजी पर चलेंगे डायरेक्ट अपन बासठ चौसठ के बाद टीचिंग मेथड में मैंने स्पेशली आपको पहले भी बोला था टीचिंग मेथड जिस बच्चा का अच्छा होगा वो बच्चा सिलेक्शन के दौड़ में सबसे एडवांस होगा और हर सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए एस एस मान लीजिए आप तो इसमें वही बच्चा एडवांस फायदा ले रहा है जिस बच्चे का टीचिंग मेथड बहुत अच्छा याद रखना साइकोलॉजी तो ठीक तो थी जिसने पढ़ा है विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो कैमरा टीवी आदि को हम किस आधार पर सीखते हैं मतलब लैंग्वेज भी चेंज नहीं है आप देखना शिक्षा मनोविज्ञान की उसमें क्रिया अनुबंधन सिद्धांत की उपयोगिता में सेम लैंग्वेज मैंने पूरी लिख रखी है उपयोगिता के अंतर्गत ठीक है तो ये नैमितिक अनुबंधन यानी कि अपना स्किनर का जो सिद्धांत है सेम लैंग्वेज तक भी चेंज नहीं की गई है नैमितिक अनुबंधन इसके बावजूद भी आप गलत करके आ रहे हैं इसका मतलब अपनी कमजोरी है मेरी कमजोरी नहीं है न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है एक विशेष बॉक्स बना के किताब में इसको डाला गया है वंशानुक्रम वाली भूमिका में ठीक है, है? विशेष बॉक्स बना हुआ और उसमें पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है डीऑक्सो राइ न्यूक्लिक एसिड डी डीएनए पूरी लिखा हुआ है एक-एक चीजें शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है तो इसमें कौन सा आ जाएगा खिलाड़ी हैं नर्तक हैं ये सब आ जाएंगे तो इसमें ऑप्शन सीधा लग रहा है डी नर्तक लग रहा है बाकी पर्यटक उसमें आ जाते हैं कवि आपके भाषात्मक में आ जाते हैं राजनीतिक जो है अंतर्व्यिक में आ जाते हैं अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए पैदा करता है कि इसमें अवधान में कमी तो इसकी मूल विशेषता होती याद रखना ठीक है अस्थिरता भी हो सकता है लेकिन अति क्रिया प्रवृत्ति एडीएचडी की होती है लेकिन एडीएचडी को भी इसका एक पार्ट माना गया है इसलिए आंसर ज्यादा सटीक होगा ए सभी याद रखना ठीक है बाकी अधिन सेवा चयन बोर्ड कुछ भी मान सकता है बट डी ज्यादा सही याद रखना बाकी मूल विशेषता इनकी अवधान में कमी होती है पावलो द्वारा किए गए प्रयोग में सीएस किसे कहते हैं कई बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आ गए कंडीशन स्टोबलिस किसको बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक किसको बोलते हैं तो अनुबंधित उद्दीपक को पता था कि मूल रूप से कौन है भोजन तो यूसीएस है ठीक है लार क्या यूसीआर है ठीक है भूख क्या है भूक अंतर्नोद एक प्रकार से प्रेरक है तो घंटी की ध्वनि जो है वो सीएस है क्या है वो सी है तो कई बच्चे ऐसे प्रश्नों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं सीएस एक के बाद एक ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है परिभाषाएं इस बार पूछी गई हैं किसके अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है बुद्धि के जो विशिष्ट तथ्य किताब में लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद जो विशिष्ट तथ्य डाल रखे हैं मैंने वहां इस डेफिनेशन को लिख रखा है मतलब प्रश्न बाहर कोई नहीं गया किताब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया तो बोरिंग की परिभाषा ये किसकी परिभाषा बोरिंग की बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है तो ये बोरिंग की परिभाषा है और मेरा ऐप पे क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है कि परिभाषा इंपॉर्टेंट है के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता कौन सी आती है मेरे ऐसे ठीक है? है फिर, फिर आपकी सामाजिक आवश्यकता आती है फिर सम्मान आती है और लास्ट में आत्मसिद्धि आती है तो आंसर क्या हो जाएगा देहिक आवश्यकता है साइकोलॉजी में मेरे कोडिंग जिनका अच्छा गया उन्हीं से जुड़े हुए उनका सबका अच्छा गया जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम यंत्रण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण क्या कहलाता है ये एग्जाम्पल कई बार मेरा बताया हुआ है और किताब में भी जिक्र रखा है कि अपने

कौन से तत्व अभी प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं, नहीं है मोटिवेशन सर्किल से रिलेटेड कौन सा तत्व नहीं है आवश्यकता एक नंबर पे होता ही है अंतर्नोड ड्राइव दो नंबर पे होता ही है तीसरा इंसेंटिव होता ही है इमोशंस कहीं भी नहीं होता तो काफी जी प्रश्न है ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछने चाहिए किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है इतना अच्छे से बताया हुआ है एक पांच मिनट का यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ उसमें भी बहुत क्लियरली इसको समझाया हुआ है किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है विलंबित सहकालिक पश्चगामी पूरा समझाया हुआ है सबसे बेस्ट कौन सा होता है डिलेड कंडीशनिंग कौन सा होता है डिलेड कंडीशनिंग जो घंटी भोजन से पहले दी जाती है और पहले खत्म हो जाती है और समय अंतराल दो से चार सेकंड का होता है उसको बोलते हैं अपन डिलेड कंडीशनिंग ये सबसे बेस्ट होता है और पश्चगामी सबसे बेकार होता है क्लियरली बताया हुआ है याद रखना तो ए ऑप्शन विलंबित तो ये 45 हो गए होंगे साथ साइकोलॉजी के प्रश्न कंप्यूटर वाले तो कंप्यूटर वाले तो इसमें तो मेरे कोडिंग ठीक ही आए हैं ठीक है ना एमएस वर्ड में कितने प्रकार के स्कॉलर होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं ठीक है ना जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के प्रकार क्या हैं ये बैटरीज पेंट और सॉल्वेट्स होते हैं ये आ... हट के प्रश्न है शायद नहीं किया होगा आप लोगों ने केस मेमोरी के बीच में ये तो अपनी किताब में भी डाल रखा है ठीक है ना न uh, और मुख्य मेमोरी के बीच में होता है केस मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है एक पेटाबाइट ये भी डाला हुआ है एक सौ चौबीस बी ऑप्शन हो जाएगा एक सौ चौबीस टेराबाइट ठीक है और एक डेटाबेस में एस का वह कमांड जो डिडेक्स को हटाने के लिए uh, काम आता है ये शायद मेरे अकॉर्डिंग डिलीट रोल बैक रिमूव रोप इंडेक्स होना चाहिए ना कन्फर्म नहीं है मेरा है ना तो ये पर्सन था एस एस टी का पेपर था इसको देख लीजिएगा ठीक है नॉर्मली आप लोगों ने मिला तो लिया होगा मैंने इसलिए की क्या बता इंतजार कर रहे हो इसलिए मैंने इसको डाल दिया आज थैंक यू अब अपन हिंदी के पेपर की बात कर लेते हैं हिंदी का पेपर जो है वो थोड़ा सा भी मैंने मेरिट ज्यादा बताई है हिंदी कट ऑफ ज्यादा बताई है लेकिन जो फिलहाल ये चीजें आ रही हैं कि यहाँ से कुछ पर्सन ऐसे हैं बड़े विवादित हैं और ये डिलीट होने के बाद शायद मेरिट में कुछ बदलाव आ जाए लेकिन फिर भी जो आंकड़े आए हिंदी के वो बहुत ज़्यादा मार्क्स के आए हैं तो देखना होगा कि क्या रहता है लेकिन मैं मानता हूँ कि ओ और जनरल में जो बच्चा 106 या 7 नंबर प्लस है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की कैटेगरी में है बाकी तो आंकड़ा देखा जाएगा याद रखना बाकी कई विद्वानों ने जो मेरी हिंदी एक्सपर्ट से बात हुई थी मैंने आपको बताया था कि एक

स्वामी तो विवेकानंद मॉडल स्कूल पे मैंने टेस्ट सीरीज का जो पेपर यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन करवाया था उसमें काफी मैंने चर्चा की थी याद रखना ठीक है तो उसमें ये शायद सब बिंदु की चर्चा की थी मैंने कौन सा कथन गलत है इन विद्यालयों का संचालन राजस्थान माध्यमिक स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है चर्चा की थी मैंने को एजुकेशन होती है सीबीएसई से रिलेटेड है भी मैंने चर्चा की थी कक्षा छः से बारह तक के आवासीय नहीं होते याद रखना ये ये क्या नहीं है आवासीय और फिलहाल इनमें यह भी प्रारंभ किया गया है कि इनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा है उसका भी प्रारंभ किया जा रहा है याद रखना आने वाले समय में तो आवासीय वाला बिंदु जो है वो गलत है डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो ये मैंने टेस्ट सीरीज में करवाया था और किताब में भी अपने मॉडल स्कूल की चर्चा कर रखी है, 43 के, 43 के बाद जो है वो पैंतालीस का प्रश्न क्या है पैंतालीस नंबर त्यालीस के बाद पैंतालीस पैतालीस तेरह चौलीस पैतालीस ये प्रश्न मेरे कोडिंग डिलीट भी हो सकता है देखिए क्या रहेगा इसका पच्चीस परसेंट आरक्षित सीटों में से कितनी सीटों पे एससी और एसटी जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं तो एससी एसटी के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए कितनी की गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस सात आठ इसके अकॉर्डिंग जो बसता है एस टी एस सी के परसेंट सात पॉइंट पांच शायद ठीक है ये परसेंट डिलीट भी हो सकता मुझे लगता है ये सही आंकड़ा नहीं रहा है ये डिलीट भी हो सकता है ये पर्सन बाकी सी ऑप्शन शायद उपलब्ध ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होना चाहिए बट ये डिलीट हो सकता है इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो बता रहे हो ना कि मेरिट सर चेंज हो सकते कोई बड़ी बात नहीं है पैंतालीस के बाद पचास नंबर का कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये अपने आर टी वाला टॉपिक यदि शुरुआत से जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना शुरुआती जो पेज है उनपे बहुत प्रश्न है

न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पर्सन बहुत बार इसको करवाया है अपन ने ठीक है पांच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे फटाफट कर देंगे आप इक्कावन के बाद पिचपन पचपन ये रहा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सीबीएसई की स्थापना ये अपने आरटी वाले में मैंने कर लिख रखा है ना पूरा जो अनुक्रम और एक टेबल बना रखी है उसमें भी सीबीएसई का एक डाल रखा है जो तीसरा टॉपिक है उसके लास्ट में एक टेबल बना रखी है उसमें भी इसको डाल रखा है उन्नीस ठीक है सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी उन्नीस उसके बाद के बाद है प्रारंभिक शिक्षा तात्पर्य कक्षा क्या है प्रारंभिक शिक्षा का कई बार चर्चा की है कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं एक से पांच करके आ जाते हैं एक से पाँच कैसे होगा प्रारंभिक शिक्षा मतलब है एक से आठ यदि प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन होता तो शायद एक से पांच कर देते हैं प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है एक से आठ जैसे इस बच्चे ने कर रखा है एक से पांच गलत है एक से आठ होगा प्रारंभिक शिक्षा मतलब एक से आठ तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप बड़ा गलत कर देते हो सिक्सटी वन ठीक है अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो यह प्रश्न भी डिलीट हो सकता है प्राप्त ना हो तो उन्हें किस वर्ग से बना जा सकता है देखो पहले का नियम तो यह था अनुसूचित जनजाति से आदान प्रदान हो सकता है यदि पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं अब इक्यासी हुआ या पिचासी कोई संशोधन हुआ था आप उसको सर्च कर लेना मुझे तो ध्यान में नहीं रहा मैं देख लेता उसका अब उसमें क्या किया है वैसे तो ये होता है कि एस का यदि कोई बंदा नहीं मिलता है एस का बंदा नहीं मिलता है तो उसको बैकलॉग माना जाएगा मतलब आगामी जो बर्तियां आएंगी उनमें उनको रिप भरा जाएगा यानी एस टी में स्पेशली बैकलॉग रहता है ठीक है तो बैकलॉग का प्रावधान बाद में किया गया था पहले तो प्रावधान यह था कि मान लो एस का आदमी नहीं मिला तो एस से भर दिया जाएगा तो पहले की जो भाषा है वो तो एस तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आंसर करना हो तो मैं एस टी करके आऊंगा क्या, क्या करके आऊंगा एस टी और बाकी ये पर्सन हो सकता है आपके सामने डिलीट आपको देखने को मिले ठीक है ना क्योंकि आजकल इनका बैकलॉग भरा जाता है तो बैकलॉग रखा जाता है इकसठ के बाद में उनसठ भी था 59, 59 में क्या है छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न था कालीबाई भील स्कूटी योजना ठीक है देखने की जरूरत नहीं थी कुछ प्रश्न बहुत इजी आए हैं कुछ प्रश्न बहुत उलझा रहे हैं ठीक है इकसठ के बाद में चौसठ तो का चौसठ तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा पांच तक के बच्चों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्नलिखित किससे रखा गया है तो ये कई बार हमने चर्चा की है टेस्ट सीरीज में भी और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने वीडियो सेशन यूट्यूब पे करवाया था उसमें भी इस बात की चर्चा की थी प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के स्पेशलिस्ट ने पैरवी की है तो बी ऑप्शन हो जाएगा तो ये तो परिदर्श्य के प्रश्न थे ठीक है परिदर्शक के बाद सीधा अपन चलेंगे साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में एक दो परसेंट शायद अच्छे थे मैंने देखे थे अभी एक दो परसेंट काफी अच्छे लगे मुझे आप क्या करके हैं देखिएगा मनोविज्ञान में भी आपको शायद एक दो प्रश्नों में यहाँ कन्फ्यूजन होगा नेहा नवीनतम चलचित्र अब पुराने ओल्ड क्वेश्चन हल करने का फायदा ये होता है नेहा नवीनतम चलचित्र दर्शन टोज देवगन वाली मूवी देख रही है क्योंकि वह नायक और उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सबर नहीं कर पा रही है यह उत्तम उदाहरण है वो देखना चाह रही है दर्शन फर्स्ट देखने के बाद कि आगे क्या होगा ऐसा ही प्रश्न एक रिट में आया था बाहुबली का

जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के कई बार बताया है कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के तो इसमें क्या होगा ये मैथ में ग्रेड फर्स्ट में भी प्रश्न आया था मैंने बताया था और एजिटीज वही प्रश्न पूछा है ये सामाजिक अधिगम होता है क्या होता है सोशल लर्निंग अल्बर्ट पांडोरा सोशल लर्निंग अल्बर्ट पांडोरा दूसरे क्या कर रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है विकास के ऊपर प्रश्न पूछा सामान्य से विशिष्ट होता है गति दर एक सी रहती है। एक सी सी रहती रहती है है नहीं अलग अलग होती है अवस्था के खतरे होते हैं सीधा नावकर वर्तुलाकार होता है सही है तो ये सी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा एक अच्छा है उसके बाद देखना। कुछ साइकोलॉजी साइकोलॉजिक ठीक है किसी बालक के व्यक्तित्व का आकलन हेतु निम्न से कौन सा परीक्षण सबसे उपयोगी है आप देखो भाषा चेंज कर यहां पकड़ना है बालक शब्द आ गया तो बाकी ऑप्शन आपको सब अच्छे लगेंगे बालक को पकड़ना है तो शब्दाचरी भी अच्छा वाक्य भी अच्छा अब यहां पूछ रहा है बालक तो, तो, के के तो होगा ही नहीं तो दिमाग क्या लगाना था ठीक है कि अपने को तीन से ग्यारह वर्ष तीन से दस वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा उपयोगी है सीएटीए तो आंसर क्या करना है सीएटी करना है इसमें भी कई गलत करके आते हैं देखो अब जिससे बच्चा ने कर रखा है ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए पच्चीस वर्षीय बालक लड़का जिसकी मानसिक आयु सोलह वर्ष आई क्यों करो तो ये आप कर कर ही लोगे ठीक है 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 सीधा हो जाएगा ये ये तो इसने सही कर रखा हमें बटा सी प्रश्न अच्छा अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभार कर पाती है ठीक है कभी कभार नाश्ता करती है पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है आप देखो इसका प्रश्न का क्या है ये प्रश्न शायद सबसे अधिक कंफ्यूजन किया होगा मुझे लगता है कि दी कोई पर्सन है अच्छा तो यही है लेकिन इस पर्सन का आंसर दिन सेवा चयन क्या बोर्ड क्या माने का एक कोई नहीं जानता याद रखना इसका उदाहरण है आवश्यकता देखने में तो सीधा आवश्यकता लग रहा है बाई प्रेरणा नहीं होगा अभी प्रेरणा नहीं होगा अब यहां ऑप्शन में आता है डी और ए ठीक है देखो वैसे इसमें भूख शब्द को व्यक्त कर रहा है हंगर को व्यक्त कर रहा है और हंगर भूख क्या होता है अंतर नोट ड्राइव होता है लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो वर्ड है ना ये भाषा खाने की इच्छा होती है ये खाने की इच्छा होती है एक रेफरेंस किताब, किताब है एस मंगल की साइकोलॉजी की एजुकेशन साइकोलॉजी उसमें सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है आवश्यकता में क्या लिखा हुआ आवश्यकता में तो इसकी जो अंदर कोई दी पूरा पढ़ते हो तो आपको यहां दिखाई देता है हंगर ठीक है ना यानी आपको दिखाई देती है भूख और भूख क्या होता है अंतर्नोद होता है ठीक है लेकिन ये जो भाषा ना खाने की इच्छा ठीक है ना ये वहां उस बुक में लिखा हुआ है आवश्यकता तो हो सकता है इसका आंसर इन दोनों में से कोई माना जाए लेकिन मेरा मानना है कि दोनों ही आंसर इसमें सही लग रहे हैं तो इसका क्या माना जाएगा ये बोर्ड के ऊपर अपन छोड़ते हैं यानी इसको अपन डाउटफुल में छोड़ सकते हैं डिलीट भी हो सकता है बाकी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग इसमें आवश्यकता दे रखा है और यदि कथन को तुम समझते हो तो इसमें हंगर दिखाई देता है और भूख जो होता है वो क्या होता है अंतर्नों तो इसका आंसर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ही जानेगा क्या होगा क्या नहीं होगा बाकी इसमें ये मान लिया जाता है तो ये डिलीट किया जा सकता आवश्यकता का आप रेफरेंस ले सकते हैं आवश्यकता मान लो तो अंतर्नोंद को लेकर आप कर सकते हैं तो ये मेरे अकॉर्डिंग देखते बच्चों ने आवश्यकता ही किया होगा इसका देखिए क्या माना जाता है इसका किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने के सर्वोत्तम बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है और पूरी लैंग्वेज है कोई भी समूह में सबसे बढ़िया बच्चा कौन सा है उसका पता करने के लिए अपन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे समाज में थी किताब में बहुत शानदार तरीके से डाल रखा है सेम लैंग्वेज तक भी चेंज नहीं किए फिर भी यदि इस प्रश्न को आप नहीं करके आए तो गलत है सोचो मेटर किताब में लैंग्वेज तक चेंज नहीं है और कोर्स में तो खरी चीज़ें बताई रखी है कैसे पूरा मेथड ही बता रखा है मैंने ठीक है बयालीस के बाद में स्पियरमैन स्पेरमैन पर बहुत फोकस करता है दिन सेवा चयन बोर्ड स्पियरमैन के उदाहरणा के अनुसार जी कारक तो इसने जी और एस तो स्पेशल बुद्धि है और जी क्या है सामान्य बुद्धि तो आंसर क्या हो जाएगा जी सामान्य बुद्धि तो इसमें तो चर्चा करने की जरूरत नहीं अपने को एक आठ वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चलता है सेम एग्जाम्पल किताब में लिखा हुआ है उसमें दस वर्ष लिख रखा है बस मैंने इतना ही चेंज कर रखा है बाकी किताब में सेम एग्जाम्पल है यह प्रतिगमन है पीछे की ओर लौटना छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे अपन रिग्रेशन हो जाएगा सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है किताब में मैंने दस वर्ष लिख रखा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और सीखने से कई बार चर्चा की थी जब मैंने ग्रेड फर्स्ट के पेपर सॉल्यूशन करवाए थे सीखने और अधिगम से संबंधित कौन है मतलब पढ़ाने और पढ़ने से संबंधित कौन सा है तो कई बार मैंने करवाया स्किनर ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने का बड़ा फायदा होता है याद रखना ये हो गए शायद है ना कंप्यूटर वाले देखो देख लो गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कल सॉफ्ट पायरेसी हो जाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी ठीक है गलत तरीके से वितरण कर रहे हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी देख लेते हैं एक बार कोई मुझे आता है तो सीओ ये प्रश्न तो इजी आया है इसमें हिंदी में तो कोबोल में को का कॉमन और, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है तो इसमें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड कॉमन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉमन ओरिएंटेड होता है बस सी ओ का मतलब ओ बाद में आता है इसमें ठीक औरेंट, तो है ना कॉमन ऑर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है तो कॉमन ओरिएंटेड बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कोबोल में बी ये तो सब दे रखा है अपने वाली किताब में दे रखा है बयालीस के बाद सैंतालीस हो गया अड़तालीस कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया संबंधित नहीं है डिजिटल सिग्नेचर होता है ई केस होता है इनक्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन होता है डिजिटल सिग्नेचर जानते हैं सु, सुरक्षा से आज जैसे वो तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड ठीक है ई केस जो होता है वो इनसे डिफरेंट हो गया सीधे सी बात ई केस जानते हैं ना आप गूगल पे है फोन पे है ठीक है अपना डेबिट कार्ड ये सब जो है इसमें ई केस में रहते हैं तो ये तीनों से डिफरेंट चीज है तो बी हो जाएगा ई केस सुरक्षा प्रक्रिया से ले रही है बाकी सुरक्षा की शब्दावलियां हैं अनसोलिडेड ई मेल को ये अपने टेस्ट में डाला था, ये स्पेम होता है क्या होता है? Spam. क्या होता होता है? है? ये इसमें हिंदी में तीन प्रश्न तो ईजी है एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वायरिंग से संबंधित सामरिक जानकारी को निकाला जा सकता है डेटा वेयर हाउसिंग डाटा सपोर्ट सिस्टम इसका पता नहीं लग रहा मुझे तो बट शायद डाटा निकाली वेयर हाउसिंग सपोर्ट सिस्टम डाटा माइनिंग डाटा बेसेज पता नहीं बट सी ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है हो सकता है बाकी ये भी हो सकता है बट सी लग रहा है इसके अकॉर्डिंग तो ये आ, हिंदी का पेपर था इसको देख लीजिएगा बाकी कोई पेपर हो तो बता दीजिएगा उसको भी करवा दूंगा थैंक यू वेरी मच